तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के साथ ही हम लोग का यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर चार चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज द प्लांट किंगडम, फोर्थ वन इज द एनिमल किंगडम। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, न्यू टॉपिक एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, पहले मैं आपको ओरली वो बता देती हूं कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम लोग यहां पर तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी में उतना ब्रीफली इसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या बताया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। उसके अकॉर्डिंगली टू किंगडम्स थे प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, सबसे पहले लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उसके टू किंगडम्स थे प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर उसने रखा सारे प्लांट्स को, एनिमेलिया के अंदर रखा उसने सारे एनिमल्स को। बट व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अगर किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो जिन जिन के पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसको तो उसने रखा किंगडम प्लांटे के अंदर, जिन जिन के अंदर सेल वॉल्स एब्सेंट है उसको उसने रखा किंगडम एनिमेलिया के अंदर। एनसीईआरटी में ये बता रखा है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर उसने डायरेक्ट बता रखा है कि इसके ड्रॉबैक्स थे, इसने सेल वॉल का प्रेजेंस के बेसिस पे तो डिफरेंस किया, पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस था। कुछ ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस पे तो डिफरेंट कर दिया प्लांटे और एनिमेलिया को, लेकिन सपोज किंगडम प्लांटे में आपने किन्हीं ऑर्गेनिजम्स को रखा, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उस ग्रुप के मेंबर्स के अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट था, फिर भी उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन इज दैट कि मतलब ये क्यों ड्रॉबैक्स क्यों बता रहे हैं कि टू किंगडम सिस्टम, हम लोग मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है अपना आर एच विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या ऐसी जरूरत आ गई कि हमें फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक मूव करना पड़ा? तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ना जिसको फुलफिल किया होगा आर एच विटेकर ने, तो वही ड्रॉबैक्स है। इसने सेल वॉल का प्रेजेंट और एब्सेंट तो बताया, बट सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस था और वो एक ही ग्रुप के मेंबर थे, फर्स्ट चीज तो ये। सेकेंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसने डिफरेंशिएट नहीं किया, ऑटोट्रॉफ्स हैं हीटरोट्रॉफ्स हैं उससे कोई मतलब नहीं रखा, सब एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। थर्ड वन इज दिस कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको ना तो हम किंगडम प्लांटे के अंदर रख सकते हैं, ना हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख सकते हैं, तो दे आर द कॉन्ट्रोवर्शियल कि उन्हें किस में रखें। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आर एच विटेकर का, फिर धीरे धीरे मतलब नए नए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए, फिर आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। आर एच विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस चीजों पे बेस्ड था, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द सेलुलर स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ वन इज द रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ वन इज द फाइलोजेनी। या एक ये चीज मैंने मिस करी, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी के बारे में भी कोई डिस्कस नहीं किया था। फाइलोजेनी मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले ओरिजिनेट हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ये किसके अंदर आया? आर एच विटेकर के फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। ये तो दे रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, मतलब उसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट जंप लगा रखा है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ये तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का पार्ट, जिससे कि आपको उसमें ज्यादा माथा नहीं खपाना पड़े, ये बोला है ओरली, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। बट वी हैव टू स्टडी इट ब्रीफली फ्रॉम द एग्जाम, फ्रॉम द कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि काफी ब्रीफली इससे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप लोग, हम लोग फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल को बोलते हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी
एंड फादर ऑफ जूलॉजी. ठीक है, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को टू किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था. इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? एक वो एनिमल्स हैविंग द रेड ब्लड, फर्स्ट वन इज एनिमल्स हैविंग द रेड ब्लड, और एक दैट डू नॉट हैव रेड ब्लड. ये तो था इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स. प्लांट्स के अंदर इसने प्लांट्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिट्स. दिस आर द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. तो सबसे पहले अरिस्टोटल. अरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी. इंपॉर्टेंट है ये. अरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. ठीक है, अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इसने एनिमल्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक जिनके पास रेड ब्लड है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है. ये तो था इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स. ये तो मतलब, और जूलॉजी बॉटनी के अंदर प्लांट्स को इसने क्लासीफाई किया थ्री टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिट्स. व्हाट वॉज दैट? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अंदर. ठीक है, ये तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था जो कि एरिस्टोटल ने दिया था. नेक्स्ट वन, इसको नोट आउट कीजिए आप लोग. तो हमने फर्स्ट तो पढ़ा एरिस्टोटल, सेकंड जो है इसके अंदर वो है थियोफ्रस्टस. थियोफ्रस्टस इज नॉन एस, जैसे एरिस्टोटल को बोला था फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रस्टस इज नॉन एस द फादर ऑफ father of ancient plant taxonomy and father of zoology. किस scientist को क्या बोलते हैं? important है, याद रखिएगा. he is known as the father of ancient plant taxonomy एंड फादर ऑफ जूलॉजी. अब एरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस, ये दोनों ही, दे बोथ आर द ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स. एरिस्टोटल एंड थियोफ्रस्टस आर ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स. अब थियोफ्रस्टस ने तीन बुक्स लिखी थी. ठीक है, इसने तीन बुक्स लिखी थी. इसकी बुक का नाम था, एक का था हिस्टोरिया प्लांटेरम, सेकेंड था कॉजेस ऑफ प्लांट, एंड थर्ड वन इज एंक्वायरी इनटू प्लांट्स.
तो क्या थ्रियोफ्रस्टस, जो कि जिसको अपन फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, थ्रियोफ्रस्टस वैसे देखा जाए तो ये साइंटिस्ट नहीं, थ्रियोफ्रस्टस एंड अरिस्टोटल बोथ आर द ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। थ्रियोफ्रस्टस ने तीन बुक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है, बुक्स का नाम याद होना चाहिए। थ्रियोफ्रस्टस की तीन बुक थी, इसका पहले का नाम था हिस्टोरिया प्लांटारम, सेकेंड बुक थी कॉजेज ऑफ प्लांट एंड थर्ड बुक थी एनक्वायरी इन टू प्लांट। एंड हिस्टोरिया प्लांटारम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, बॉटनी की जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी अपन इसको मानते हैं हिस्टोरिया प्लांटारम को, ठीक है। फिर इसके बाद इसे नोट आउट कर लीजिए जब तक। ठीक है, तो थ्रियोफ्रस्टस की तीन बुक थी हिस्टोरिया प्लांटारम, कॉसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनक्वायरी इनटू प्लांट्स। थ्रियोफ्रस्टस ने प्लांट्स को डिवाइड किया, एरिस्टोटल ने तीन के अंदर डिवाइड किया था, हर्ब्स शर्ब्स एंड ट्रीज। थ्रियोफ्रस्टस ने इसकी चार क्लासेस बनाई, हर्ब्स श्रब्स अंडर श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। एरिस्टोटल ने तो तीन के अंदर डिवाइड किया था, हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज के अंदर, थ्रियोफ्रस्टस ने शर्ब्स को एक और अंडर शर्ब्स भी, तो चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया इसने प्लांट को, हर्ब्स शर्ब्स अंडर शर्ब्स एंड ट्रीज। एंड थ्रियोफ्रस्टस प्रपोज्ड, इंपॉर्टेंट वन, हु प्रपोज्ड द टर्म एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल, क्वेश्चन आता है, तो ही प्रपोज्ड द टर्म एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल। व्हाट डू यू मीन बाय द एनुअल बाइनियल और पेरिनियल इन टर्म्स, का मतलब क्या होता है बताइए। ही प्रपोज द टर्म, थियोफर्स्टस प्रपोज द टर्म एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल का मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट कर ले। प्लांट्स हु कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ओनली वन ग्रोइंग सीजन, दे आर नोन एज द एनुअल प्लांट्स, ठीक है। बाइनियल्स उनके लिए यूज करते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल मोर देन सॉरी जो कि अपनी लाइफ साइकिल टू ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट करते हैं। पेरिनियल्स उनके लिए यूज करते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल मोर ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मोर देन टू के अंदर पेरिनियल। तो थ्रियोफ्रस्टस ने प्लांट्स को तो इन चार पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसने सबसे पहले थ्रियोफ्रस्टस ने ही प्रपोज द टर्म एनुअल बाइनियल एंड पेरिनियल। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि किसने ये टर्म्स प्रपोज की थी, ठीक है, इसे नोट आउट कीजिए। देन थर्ड हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका नाम आया है, कैरोलस लिनियस। एक बात बताओ, ये साइंटिस्ट का नाम बहुत जगह पढ़ने पड़ा है लिनियस के बारे में, ये इसका रियल नेम है क्या, कैरोलस लिनियस? इसका रियल नेम था कार्ल वेन लीन, ये था इसका रियल नेम, ठीक है। बट ही चेंज्ड हिज नेम टू कैरोलस लिनियस क्योंकि इसने जो लैटिन लैंग्वेज के ऊपर जो वर्क किया था उसके बेसिस पे फिर इसने अपना नाम भी चेंज करके उसके अकॉर्डिंग रख लिया कैरोलस लिनियस, ठीक है। On the basis of his work in Latin language, इसने अपना नेम चेंज किया, changed his name
टू कैरोलस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब अपन ने अभी तक जो दो साइंटिस्ट पढ़े एरिस्टोटल और थियोफ्रस्टस, सबसे पहले बताते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसका सबको पता होना चाहिए कैरोलस लीनियस को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए कैरोलस लीनियस को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ, किसका फादर है ये, ही इज नॉन एज इंपॉर्टेंट, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, अब एक चीज ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस तो है फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, बट थियोफ्रस्टस था फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग, फादर ऑफ अगर एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी आए तो एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी का फादर है थियोफ्रस्टस, एंड फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। ठीक है, इज नॉन एज द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, इसने बायनोमियल, अपन ने पढ़ा था नॉमन क्लेचर में, बायनोमियल नॉमन क्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमन क्लेचर, किसने दिया था बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर, लीनियस ने, तो पढ़ा था ना वहां पे, ही इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमन क्लेचर। और है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, मैंने सही लिखा है क्या, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, आप लोग बताओ, कैरोलस लीनियस इज नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी अपन ने किसके अंदर पढ़ा था, एरिस्टोटल, थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ, यहां पे से एक चीज ये जानबूझ के गलत लिखने का रीजन ये है कि आप लोग, क्योंकि अपन हमेशा इसके अगर क्वेश्चन आता है तो यही मिस्टेक कमिट करते हैं, डायरेक्ट लिखूंगी तो शायद भूल जाओगे, ये ऐसे करके लिखूंगी तो याद रखना कि मैंने भी क्या यहां पे मिस्टेक किए, थियोफ्रस्टस था फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, he is the father of, he is not the father of zoology, he is the father of animal taxonomy, he is the father of animal taxonomy, मतलब प्लांट और एनिमल से रिलेटेड टर्म्स अपन बॉटनी और जूलॉजी से जो कंसिडर करते हैं, इसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी नहीं, प्लांट और एनिमल के अंदर he is the father of plant taxonomy, he is the father of animal taxonomy, अब taxonomy के अंदर plant taxonomy का father भी यही है, animal taxonomy का father भी यही है, इट मीन्स ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बाकी जो बताया था वो तो है ही, बायनोमियल नॉमन क्लेचर यही था उसका फाउंडर, अपन ने पहले भी पढ़ा है, ही इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमन क्लेचर। ठीक है, एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो कैरोलस लीनियस को किस किस नाम से, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, बायनोमियल नॉमनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर अब कैरोलस लीनियस ने पांच बुक्स लिखी थी, इसकी पहली बुक का नाम है हॉर्टस अपलैंडिकस, कैरोलस लीनियस ने फाइव बुक्स लिखी, इसकी पहली, इसकी बुक्स के नाम है हॉर्टस अपलैंडिकस, फिलोसोफिया बॉटनिका, ये नाम बहुत बार सुना होगा, नॉमन क्लेचर में आया है, और कौन कौन सी बुक लिखी थी लीनियस ने, दो बुक्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बताइए आप ही लोग, एक में तो जिसने इसने जितने भी प्लांट स्पीशीज है उसके नाम प्रपोज किए थे, कौन सी बुक थी वो, स्पीशीज प्लांटारम, एक बुक लिखी थी इसने जेनेरा प्लांटारम,
एक बुक और डिस्कस हो चुकी है पहले ही लीनियस की, एक तो वो जिसके अंदर इसने साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स दिए, वो तो आ गई स्पीशीज प्लांटरम। एक और कौन सी बुक अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कैरोलस लीनियस की, याद कीजिए, जिस हिंट दे देती हूं, जिसके अंदर उसने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल प्रपोज किए थे, उस बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने 5 बुक्स लिखी, हॉर्टस अपलैंडिकस, फिलोसोफिया बॉटनिका, स्पीशीज प्लांटारम, जेनरा प्लांटारम एंड सिस्टेमा नेचुरी। इसे नोट आउट कीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि इस बुक्स में इसने क्या बताया था, उस बुक में इसने क्या बताया था। जब तक आप इसे नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो अब लीनियस की हमने 5 बुक्स के बारे में पढ़ा, हॉर्टस अपलैंडिकस, हिस्टोरिया प्लांटारम, स्पीशीज प्लांटारम, जेनरा प्लांटारम एंड सॉरी हिस्टोरिया प्लांटारम नहीं, फिलोसोफिया बॉटनिका, स्पीशीज प्लांटारम, जेनरा प्लांटारम एंड सिस्टेमा नेचुरी। तो इसकी जो बुक थी फिलोसोफिया बॉटनिका, इस बुक के अंदर क्या था, इस बुक के अंदर इसने बताया था अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर किसके अंदर थे, इसकी बुक फिलोसोफिया बॉटनी के अंदर। देन इसकी एक बुक जो बुक थी स्पीशीज प्लांटारम, ये तो पता ही है आप लोगों को। इस बुक के अंदर क्या था, ही प्रपोज द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट। इसके अंदर था साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक और चीज है कि इसने स्पीशीज प्लांटारम के अंदर कुछ बुक्स कहती हैं कि 4000 प्लांट स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, और कुछ बुक्स बोलती हैं कि 6000 प्लांट स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। अभी ये दोनों ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 4000 है, कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग 6000 है, ठीक है। फिर इसकी नेक्स्ट बुक थी जेनरा प्लांटारम, इस स्पीशीज प्लांटारम के अंदर तो दिए इसने साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट्स, जेनरा प्लांटारम के अंदर ही गेव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट किंगडम। जेनरा प्लांटारम के अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके अंदर पूरा प्लांट किंगडम का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था इन इस बुक जेनरा प्लांटारम। देन इसकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। इसके अंदर क्या था, ये भी पढ़ चुके आप लोग, इसके अंदर थे ही प्रपोज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी, साइंटिफिक एक तो था इसके अंदर सारे साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल प्रपोज किए थे इसने इस बुक के अंदर सिस्टेमा नेचुरी के अंदर। अब स्पीशीज प्लांटारम के अंदर साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट प्रपोज किए थे, लेकिन उस पूरे प्लांट किंगडम का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था उसने जेनरा प्लांटारम के अंदर। इस बुक के अंदर सिस्टेमा नेचुरल के अंदर उसने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स भी दिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम भी इसी के अंदर दी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ
ऑफ एनिमल किंगडम? एंड थर्ड वन एंड इंपॉर्टेंट वन जो कि हम भूल जाते हैं, इस बुक के अंदर इंक्लूड था, ही गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन, ही प्रपोज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों भूल जाते हैं हम इसे? क्योंकि ये तो सिस्टमा नेचुरी तो हमें वहां से भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से पता ही है कि सिस्टमा नेचुरी के अंदर इसने दिए थे साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स. अब जेनरा प्लांटेरम के अंदर तो मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम के लिए अलग बुक लिखी उसने, जेनरा प्लांटेरम. अब यहां से ये पॉइंट भी याद रह जाता है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम भी इन्वॉल्व होगा सिस्टमा नेचुरी के अंदर. तो हमारे मन में एक साइकोलॉजी बना लेते हैं कि मतलब इस बुक के अंदर किसके बारे में बात की उसने, एनिमल्स के बारे में. लेकिन इस बुक के अंदर ही गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ऑल्सो, इट इज द इम्पॉर्टेंट वन. इसको याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस तो सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है. तो इसकी पांचों बुक्स थी, हॉल्टस अपलैंडिकस, फिलोसॉफी ऑफ बॉटनी का, स्पीशीज प्लांटारम, जेनेरा प्लांटारम एंड सिस्टमा नेचुरी. पुराना क्लास का कितना याद है चेक करूं? मैंने बताया था कि डेट्स में मतलब मोस्टली फोकस नहीं करती कि ये इम्पॉर्टेंट है. दो चीजों की डेट याद रखने को बोला था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर. फर्स्ट वन कि स्पीशीज प्लांटारम कब पब्लिश हुई, सेकंड वन इज कि सिस्टमा नेचुरी कब पब्लिश हुई. तो बताइए स्पीशीज प्लांटारम की डेट क्या थी, डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिसके अंदर उसने साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स दिए थे. बताइए, भूल गए सब? फर्स्ट मई 1753, ठीक है. और सिस्टमा नेचुरी का डेट ऑफ पब्लिकेशन, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, पहली बात तो कौन सा एडिशन था इसका, वहां पे कौन सा एडिशन पढ़ा था, 10th एडिशन. डेट ऑफ पब्लिकेशन 1 अगस्त 1758. दोनों की बुक्स ये इन वहां पर मैंने भी बोला था, इनकी बुक्स, ये जो बुक्स थी इसकी पब्लिकेशन की डेट याद रखने का कारण क्या है, क्या बताया था वहां पे, क्यों याद रखनी है? डेफिनेटली एग्जाम में आता है वो तो है ही, पर क्यों आती है स्पेशली इसकी डेट? एग्जाम में नहीं आता तो कोई भी इंपॉर्टेंस हम तो याद ही नहीं रखेंगे. सही भी है, क्योंकि स्पीशीज प्लांटारम के अंदर उसने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स दिए थे और वो बुक पब्लिश हुई 1 मई 1753 को. तो 1 मई 1753 को अपन मानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स. मतलब अगर इस डेट के पहले कोई किसी भी प्लांट का नाम दिया हुआ है तो वो इनवैलिड होगा. सिस्टमा नेचुरी के अंदर दिया था उसने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, उसके 10th एडिशन के अंदर वो पब्लिश्ड हुआ था 1 अगस्त 1758 को. यानी कि स्टार्टिंग ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स हम लोग कंसिडर करते हैं 1 अगस्त 1758. अगर इसके पहले की डेट का कोई भी नाम है तो वो वैलिड नहीं होगा. अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते कि अब ये तो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया है कि 1 अगस्त 1758 के पहले का कोई भी नाम वैलिड नहीं होगा. वो कैसे पूछते हैं कि आईसीबीएन के रूल्स पढ़े हैं अपन ने, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये नाम सही है. फिर अब वो डेट देते हैं 1 अगस्त 1758, उसके बाद तो वो वैलिड होगा. उसके पहले का कोई नाम है और वो डेट दे रखी है तो वहां से आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि अपन कब मानते हैं एनिमल्स के लिए स्टार्टिंग ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर 1 अगस्त 1758. अगर इसके पहले की कोई भी डेट देंगे तो वो नाम वैलिड नहीं होगा. ओके, ये तो यहां पे नाम आ गया. इसलिए कम टू द टॉपिक, इसके अंदर इसने क्या क्या दिया, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल प्लांट्स, डिटेल डिस्क्रिप्शन, सॉरी सिस्टमा नेचुरी के अंदर साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम, एंड ही ऑल्सो गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी. ठीक है, इसे नोट आउट कीजिए. ओके, तो कैरोलस लीनियस के अपन ने बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया. देन इसने जो प्लांट्स को इसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, टू किंगडम्स कौन थे इसके, प्लांटे एंड एनिमेलिया.
नेक्स्ट थिंग इज दैट कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ये भी पढ़ाया है मैंने, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर उसने प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था बताइए आप ही मुझे, कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर? तो इसने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, इसने 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ विच कैरेक्टर्स, ये भी बता चुकी मैं, किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे? स्टैमन एंड कार्पल, याद आ रहा है कुछ? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में बताया था कि उसने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन एंड कार्पल। उसमें इस 24 ग्रुप्स में से भी 23 ग्रुप्स तो कौन से थे? फ्लावरिंग प्लांट के, और एक ग्रुप कौन सा था? नॉन फ्लावरिंग प्लांट का। तो इसके 24 क्लासेस कैसे थी कि फर्स्ट मतलब अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एक स्टैमन प्रेजेंट है तो मोनोएंड्रिया, दो है तो डायएंड्रिया, तीन है तो ट्राईएंड्रिया, 20 या 20 से ज्यादा है तो आइकोसेंड्रिया, ऐसे करके पूरा 1 से 23 तक ऐसे ही चलेगा। सॉरी 24th जो ग्रुप है इसका वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसको क्या नाम दिया था बताइए? अब वन के लिए दिया मोनो, दो के लिए दिया डाय, तो जब नहीं है एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? नॉन एंड्रिया। इसका एक और नाम है क्रिप्टोगैमिया, ठीक है? तो इसने प्लांट्स को कैरोलस लीनियस ने 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन एंड कार्पल। इसने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं और इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स पे बेस्ड है इसीलिए इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो कैरोलस लीनियस यहां पर ये हो गया खत्म। लीनियस को अपन ने क्या क्या बोला था एक रिव्यू, और ये इंपॉर्टेंट है कैरोलस लीनियस का, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ये, बट इट इज इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही इससे। सबसे पहली चीज कैरोलस लीनियस का नाम एक तो वो याद रखे ना कि इसका रियल नेम नहीं है, रियल नेम क्या था? इसने अपना नाम चेंज किया था कैरोलस लीनियस ने, किस बेसिस पर? इसने अपनी लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग इसने अपना नाम चेंज किया कार्ल वर्न लिन से कैरोलस लीनियस से। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैरोलस लीनियस इज नॉन अस द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, ही इज द फाउंडर ऑफ द बायनोमियल नॉमनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? ये पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बायनोमियल नॉमनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? इसने पांच बुक्स लिखी थी, हॉर्टस अपलैंडिकस, फिलोसॉफी ऑफ बॉटनिका, स्पीशीज प्लांटारम, जेनरा प्लांटारम एंड सिस्टमा नेचुरी। स्पीशीज प्लांटारम के, फिलोसॉफी ऑफ बॉटनिका के अंदर क्या थे? नॉमनक्लेचर्स ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमनक्लेचर। स्पीशीज प्लांटारम के अंदर क्या थे? साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट, ठीक है? जेनरा प्लांटारम के अंदर क्या थे? ही गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम इन हिज बुक जेनरा प्लांटारम। सिस्टमा नेचुरी के अंदर तीन चीजें, फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, सेकंड इज ही गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी, एंड थर्ड वन इज ही गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है? लीनियस का जो क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, प्लांटे और एनिमेलिया। इसने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमन एंड कार्पल, मींस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स।
तो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड था, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसके 24 ग्रुप्स में, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस हो चुका है, इसके जो 24 ग्रुप्स हैं इसमें से 23 ग्रुप्स तो हैं फ्लावरिंग प्लांट के और एक ग्रुप है नॉन फ्लावरिंग प्लांट का. जो 24th और जो लास्ट ग्रुप है नॉन फ्लावरिंग प्लांट का, उसको अपन, उस ग्रुप का नाम क्या है, नॉन एंड्रिया या फिर क्रिप्टोगैमिया. तो हियर वी फिनिश्ड फ्रॉम द अबाउट लीनियस, इसको नोट आउट कीजिए आप लोग. देन इसके बाद है, साइंटिस्ट हैं जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. ठीक है, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर, दे आर रिलेटेड टू द बॉटनिकल गार्डन्स. ये दोनों ही साइंटिस्ट किससे रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू द रॉयल बॉटनिकल गार्डन. अब ये टर्म जहां जहां याद आती है तो मुझे पिछली क्लास याद आ जाती है. बॉटनिकल गार्डन, मैंने बताया होगा ना कि सब एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है. ये पहले तो बता दो, ये वर्ल्ड का है या एशिया का है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दोनों में से एक है ये मैं बता देती हूँ. तो एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है या फिर वर्ल्ड का, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन. रॉयल बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है. एशिया का क्यों याद रखते हैं, और कहीं पर भी किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे तो अपन ने जितने भी पढ़े सब वर्ल्ड के ही बड़े बड़े बता रखे हैं. एशिया का स्पेशली बॉटनिकल गार्डन क्यों, क्योंकि इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया के अंदर है एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो कि कैलकटा में लोकेटेड है. ठीक है, तो ये तो पुरानी क्लास, बैक टू द टॉपिक. बेंथम एंड हुकर, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, दे आर रिलेटेड टू द बॉटनिकल गार्डन. क्वेश्चन क्या है, जो साइंटिस्ट इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में वर्क करते हैं जो साइंटिस्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर, बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर वर्क करते हैं, उन साइंटिस्ट को एक टर्म देते हैं अपन, क्यूरेटर. ठीक है, जो साइंटिस्ट बॉटनिकल गार्डन के अंदर काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर. बेंथम एंड हुकर, दिस बोथ साइंटिस्ट आर रिलेटेड टू द रॉयल बॉटनिकल गार्डन. अब अभी तक मैंने आपको कैरोलस लीनियस तक पढ़ाया, लीनियस के बाद है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन. लीनियस का क्लासिफिकेशन कैसा था, ही गिव द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेंथम एंड हुकर फर्स्ट प्रपोज द बिगेस्ट, यहां से शुरू हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ही गेव द बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा. What do you mean by the term spermatophyta? Spermatophyta का मतलब क्या होता है बताओ, सब मैं ही लिखती जाऊं. Seed bearing plants. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. अभी तक अपन ने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़े, मतलब लीनियस तक, अभी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था. बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने. ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, नोट आउट कर लीजिए इसे. ठीक है, तो बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर. इसने स्पर्मेटोफाइटा को इसकी टू
202 फैमिलीज बताई। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया इसने डिवाइड किया डाइकोटिलेडने जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडने के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा की 202 फैमिलीज थी, उसमें से डाइकोटिलेडने की थी 165, जिम्नोस्पर्म की 3 और मोनोकोटिलेडने की 34। ठीक है, तो 202 फैमिलीज बताई इसने स्पर्मेटोफाइटा की, उसमें डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी की 165, जिम्नोस्पर्म की 3 और मोनोकोटिलेडनी की 34। डाइकोटिलेडनी की जो तीन फर्दर इसकी जो क्लासेस थी, इसमें से है फर्स्ट वन इज पॉलीपेटली, देन गैमोपेटली एंड मोनोकैलेमाइडी, मोनो ठीक है। पॉलीपेटली का मतलब एक पेटल, गैमोपेटली के मतलब होता है यूनाइटेड पेटल्स, मोनोकैलेमाइडी मतलब जिसके अंदर पेटल्स एब्सेंट हो। तो इसने डाइकोटिलेडनी को भी फर्दर तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। अब ये था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। इट इज द फर्स्ट बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था बेंथम एंड हुकर ने। इनले डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी, इसकी 34 फैमिलीज मोनोकोटिलेडनी की, जिम्नोस्पर्मी की 3 फैमिलीज, डाइकोटिलेडनी की 165 फैमिलीज, फिर इसको फर्दर डिवाइड किया। अब हम लोग बात करेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। ठीक है, तो पहले आप ये नोट आउट कर लीजिए, तो ये तो हो गया कि इसने क्लासिफिकेशन क्या दिया था बेंथम एंड हुकर का। अब बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ अच्छाइयां भी थी तो इसकी कुछ बुराइयां भी थी। तो व्हाट आर द मेरिट, सबसे पहले अच्छाइयों की बात करते हैं, बुराइयां हम वैसे सबसे पहले ढूंढते हैं, पर सबसे पहले इसके मेरिट्स की बात करते हैं। तो व्हाट आर द डीमेरिट, तो याद भी रह जाएगा आप लोगों को, बुराइयां याद रखना ज्यादा इजी होता है ना। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मेरिट ऑफ इस क्लासिफिकेशन इज दैट कि ही यूज द फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था फ्लोरल कैरेक्टर। तो मेरे को एक बात बताओ, फ्लोरल कैरेक्टर इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था तो इसमें अच्छा ही क्या है, मेरिट वाली बात क्या आ गई? यूज योर माइंड। इसका पहला मेरिट था ही यूज द फ्लोरल कैरेक्टर्स। बताइए, मैं बाद में डिस्कस करूंगी, सोचते रहिए, जब तक मैं इसकी दो मेरिट्स और बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले तो इसका मेरिट ये था इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम का कि ही यूज द फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, तो इट वाज द फर्स्ट मेरिट ऑफ द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। सेकेंड मेरिट ऑफ द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज वॉट, जो फर्स्ट जब ये पढ़ा था तो उसके बोल्ड लेक्चर में पढ़ा था कि इट इज द बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। मतलब इसमें जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या था, इट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये है इसका सेकंड मेरिट। और ये डीमेरिट किसका था, लीनियस के क्लासिफिकेशन था। उसका क्लासिफिकेशन क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो ये है इसका थर्ड सेकंड मेरिट। इसका थर्ड मेरिट है कि इसका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इट इज सिंपल इन नेचर।
इसका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर में सिंपल है. क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल कैरेक्टर्स या फिर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, ये सिंपल नेचर में सिंपल है ये क्लासिफिकेशन. क्यों सिंपल है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. क्योंकि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए सिंपल है. ये सिंपल है इसके बावजूद येट इट इज नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन. सिंपल होने के बावजूद इट इज नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन. और ये क्लासिफिकेशन बेस्ट नहीं है तब भी हम हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के अंदर इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं. क्यों? बेस्ट नहीं है. कोई भी चीज किसी भी चीज में यूज हो रही है तो वो बेस्ट होनी चाहिए. बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जो बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर और हर्बेरियम के अंदर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं वो बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, जबकि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन भी नहीं है. उसका कारण ये है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेसिस्ड है, इसीलिए इसको यूज करते हैं. अब मैंने आपका पहला मेरिट का रीजन पूछा था कि फर्स्ट मेरिट है इसका, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. इट इज द फर्स्ट मेरिट ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स क्यों? बिकॉज क्योंकि एक तो होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एक होते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर दे आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर. इस वजह से ये मोर कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स होते हैं. कंजर्वेटिव है तो क्या मैरिट? क्योंकि ये ज्यादा कंजर्वेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो क्या इसका मतलब कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि चेंज जैसा जैसा टाइम के साथ, मतलब इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बहुत माइनर चेंजेस शो करते हैं, मेजर चेंजेस नहीं आते. इसी वजह से ये इसका मेरिट है कि फ्लोरल कैरेक्टर्स को यूज किया था. इसकी वजह से दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्टेबल क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर्स आर द कंजर्वेटिव इन नेचर. तो दिस आर द थ्री मेरिट्स ऑफ द जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज द इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था. फ्लोरल कैरेक्टर्स का बेनिफिट क्या होता है? इट इज मोर कंजर्वेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर. सेकंड मैरिट है इसका, इट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन. एंड थर्ड मैरिट है, ये सिंपल होता है नेचर के अंदर क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन. देन द डी मैरिट्स ऑफ द जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. तो डीमेरिट्स क्या है इसकी? वो जो मैंने चार्ट बनाया था ना, स्पर्मेटोफाइटा 202 फैमिली, फिर जिम्नोस्पर्म, हाँ नहीं सॉरी डाइकॉटलिडनी, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटलिडनी, वही उसी में है इसका वो छुपा हुआ इसका डीमेरिट. बताइए क्या हो सकता है? इतनी हिंट दे दी कि वहीं पर है, और अभी मैंने बोल भी दिया था गलती से सही. वो इसका डीमेरिट ये था, ही डिड नॉट कंसिडर द फाइलोजेनी. फाइलोजेनी को इसने कंसिडर नहीं किया. फाइलोजेनी क्या होता है? क्या बताया था मैंने? बता चुकी ना फाइलोजेनी. तो कौन पहले ओरिजिन हुआ? तो क्या फाइलोजेनी क्या कंसिडर नहीं की? इसने जिम्नोस्पर्म को डायकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रख दिया. फाइलोजेनी गड़बड़ा गई ना. एग्जैक्ट फाइलोजेनी क्या है वैसे? फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म्स आने चाहिए पहले, देन डायकॉट्स, और उसके बाद मोनोकॉट्स. ठीक है,
ये तो है एग्जैक्ट फाइलोजेनी, पहले जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद डाइकॉट्स आए, उसके बाद मोनोकॉट्स आए, लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, इसने फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया क्योंकि इसने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा. तो इट इज द डीमेरिट ऑफ द जॉर्ज बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसे नोट आउट कर लीजिए. थैंक यू.